नमस्कार जोहार। दूरदर्शन झारखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है, वैसा ही हमारा उद्देश्य भी है कि हम आप सभी दर्शकों को रोजगार से संबंधित कुछ जानकारियां दें जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की जाती है। तो इसी के साथ आइए जानते हैं आज की कुछ विज्ञप्तियों के बारे में। आज की पहली विज्ञप्ति है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। यहाँ असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल 450 भर्तियाँ जारी की गई है। आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर्स डिग्री रखी गई है। वहीं आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष तय की गई है। अभ्यर्थियों का चयन प्री और मेंस परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान 20,700 रुपये से 55,700 रुपये निर्धारित होगा। आवेदक ऑनलाइन 4 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर विजिट कर सकते हैं। आज की दूसरी विज्ञप्ति है RRC सेंट्रल रेलवे से। यहाँ अप्रेंटिस के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 2,409 पदों की रिक्तियाँ हैं। बात करें आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो अभ्यर्थी को 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास ITI सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है। आवेदक की आयु सीमा कम से कम 15 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष तय की गई है। चयन मेरिट के आधार पर होगा। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का वेतनमान के रूप में अप्रेंटिस एक्ट के तहत 7,000 रुपये प्रतिमा देय होगा। ऑनलाइन आवेदन 28 सितंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrcci.com पर विजिट कर सकते हैं। अब जानते हैं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में। यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल 560 पदों की रिक्तियां हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग डिग्री BE या BTEC, MSc या MTEC होनी चाहिए। साथ ही गेट 2023 अपीयर होना भी आवश्यक है। अभ्यर्थी की आयु सीमा अधिकतम 30 वर्ष तय की गई है। चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का वेतनमान 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये निर्धारित होगा। ऑनलाइन आवेदन 12 अक्टूबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट coalindia.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगली विज्ञप्ति है राजस्थान लोक सेवा आयोग से। यहाँ लाइब्रेरियन, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, होम साइंस के पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 533 है। आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD डिग्री होना भी अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान 15,600 रुपये से 39,100 रुपये निर्धारित होगा। आवेदक 5 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं अगली विज्ञप्ति की, जो भारत सरकार टकसाल SPMCIL द्वारा जारी की गई है। यहाँ जूनियर टेक्नीशियन के कई पदों पर भर्तियाँ आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 56 है। आवेदन के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता संबंधित ट्रेड में ITI होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 25 वर्ष तक के अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का वेतनमान 18,780 रुपये से 67,390 रुपये निर्धारित होगा। आवेदन 1 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन किया जा सकता है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट igmhyderabad.spmcil.com पर विजिट कर सकते हैं। अब अगली विज्ञप्ति की बात करते हैं, जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ओडिशा द्वारा जारी की गई है। यहाँ लेक्चरर्स के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल 1,065 भर्तियाँ निकाली गई है। इस पद पर आवेदन के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता मास्टर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही इस पद के लिए PhD या MPhil के अंक की भी अनिवार्यता है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं अभ्यर्थियों का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 यानी 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये निर्धारित होगा। आवेदन ऑनलाइन 13 अक्टूबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssbodisha.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। अब जानते हैं IDBI द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में।
यहाँ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 600 भर्तियाँ निकाली गई है। वैसे आवेदक जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तय की गई है। अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। वेतनमान विभाग के नियमानुसार निर्धारित होगा। इसमें ऑनलाइन 30 सितंबर 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट idbibank.in पर विजिट कर सकते हैं। आज की आखिरी विज्ञप्ति है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। यहाँ कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 के पद पर भर्तियाँ निकाली गई है, जिसमें कुल पदों की संख्या 3831 है। बात करें आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की, तो इंटरमीडिएट के साथ PET 2022 में शामिल हुए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 3 के अनुसार निर्धारित होगा। ऑनलाइन आवेदन 3 अक्टूबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। ये थी वैकेंसी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की जाती है। आशा करती हूँ ये जानकारियाँ आपके लिए लाभप्रद होगी। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे रोजगार समाचार। साथ ही कोई विचार आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल DD झारखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने विचारों को लिख सकते हैं। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका रोजगार समाचार भी पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।